साथी जय हिंद। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को होगी सुनवाई, नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या है पूरा यहाँ पे बता देता हूँ कि ये खबर बहुत ही आज 14 जुलाई को खबर निकल के आ रही है। सेना में भर्ती के लिए लाई गई नई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तारीख तय कर दी है। अदालत ने इन अर्जियों पर 15 जुलाई यानी शुक्रवार को सुनवाई का फैसला लिया है। शुक्रवार को इस पर सुनवाई होगी। सेना में भर्ती के लिए लाई गई नई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी। अदालत ने इन अर्जियों पर 15 जुलाई यानी शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला लिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और ए एस बोपन्ना की बेंच इन पर सुनवाई करेगी। ठीक है, इस भर्ती योजना के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें से कुछ में ऐसे नोटिफिकेशन को भी रद्द करने की मांग की गई है। वहीं पर एक अर्जी में इस स्कीम को लागू करने से पहले पैनल का गठन कर उनकी राय लेने की मांग की गई है। पिछले महीनों में स्कीम को देश के अलग अलग हिस्सों में तीखा विरोध देखने को मिला था। ठीक है, खासतौर पर यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। 5 जुलाई को अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इस अर्जी पर सैनिक रविंद्र सिंह शेखावत ने दायर की है। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा था कि अग्निपथ स्कीम के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन अवैध और असंवैधानिक है। इसके अलावा यह संविधान में दिए गए अधिकारों का हनन करता है। खासतौर पर अभ्यर्थियों को लेकर इस अर्जी में सवाल उठाया गया था जो पहले से जारी स्कीम का हिस्सा है और उन्हें नए सिरे से इसमें आवेदन करना होगा। शेखावत ने अपनी अर्जी में कहा कि इस भर्ती स्कीम में उन अभ्यर्थियों को भविष्य अधर में है जो बीते कई सालों से तैयारी कर रहे थे। एक तरफ वे लोग कोरोना के चलते भर्ती का हिस्सा नहीं बन सके और इस प्रक्रिया में उन्हें धक्का पहुंचाया है। अर्जी में कहा गया कि पुरानी भर्ती स्कीम के हिस्सा भर्तियों को नए सिरे से तैयारी करनी होगी। ऐसे करना गलत है क्योंकि किसी भी भर्ती प्रक्रिया को आधे में छोड़कर नए में उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। इससे एक तरह छात्रों के समय का नुकसान हुआ तो नई भर्ती में उन्हें किसी तरह की प्राथमिकता का वादा नहीं किया गया। ठीक है, तो ये अग्निपथ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, 15 जुलाई को सुनवाई होनी है। आपको मैं बता दूं कि इसका जो मायने है, रविंद्र सिंह शेखावत नाम के पूर्व सैनिक हैं राजस्थान के, उन्होंने याचिका दायर की है। 15 जुलाई की बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर एक पे जो एयरफोर्स इनरोलमेंट के लिए उस पर भी सुनवाई होगी और साथ में जो सेना भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया नोटिफिकेशन जारी करके उसके ऊपर सुनवाई होगी। नंबर तीन, अग्निपथ स्कीम को रद्द करने की मांग है, तीन चीज़ों पर सुनवाई होगी 15 जुलाई 2022 को, मतलब कल। जैसे सुनवाई होगी क्या अपडेट निकल के आई मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, थैंक यू।